ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 28 जुलाई 1964 मंगलवार। पांचवें पेज की आज में बात चल रही थी, तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। देखो बापू जी भी तो गृहस्थ विहार में रहते थे ना, ऐसे तो नहीं है कि कोई छोड़ देते थे। चाहे हद की दुनिया के बापू जी हों और चाहे बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया के बापूजी हों, उन्होंने भी अपने घर गृहस्थ व्यवहार को छोड़ा नहीं था। यशोदा माता उनकी युगल तो साथ में ही थी। तो देखो उन बापू ने रह करके उन फिरंगियों से कैद सहन करना, फलाना करना कितना सहन किया। तुम बच्चों को भी फिर यहाँ सहन करना पड़ता है, और तुमको फिर क्या सहन करना पड़ता है। बांधेलियों को मार खानी पड़ती है। इस यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये जो पावन बनने वाली अबलाएं, कुबजाएं, गणिकाएं, द्रौपदियां, फलानी फलानी, इन सब के ऊपर कौन सी तकलीफ होती है। अत्याचार होते हैं ना। अभी यहाँ जेल की बात तो नहीं है। हाँ, अभी तुम घर में जैसे जेल में पड़ जाती हो, इसकी जेल में वो जो विकारी हैं उनके कारण तुम जेल में पड़ती हो, और वो उस जेल में चले जाते थे। तुम जानते हो कि बरोबर हम जरासिंधियों की जेल में फंसे हुए हैं। नहीं तो जरासिंधियों का जेल क्या था, ये जरासिंधी कहा जाता है पतितों को। उन पतितों का नाम क्या दिया है? जरा माने क्या? जरा माने पुराने पुराने, सिंधी माने सिंधी। ये उन सिंधियों की जेल है। उन्होंने ग्लानि करके तुम्हारे ऊपर बंधन डलवाई दिया। तो उनकी जेल में तुम बच्चों को थोड़ा सहन करना पड़ता है। मेजॉरिटी तुम्हारी है जो सहन करती है, क्योंकि पतित को पावन बनाने में मेजॉरिटी तुम्हारी है, और वो तो कहीं एक आध बार थोड़ा सहन करती रहती है। बहुत ऐसी हैं जो पतियों को भी अच्छी तरह समझाती हैं, परंतु वो बेचारी बिल्कुल कमजोर हैं, इसलिए उनको तकलीफ होती है। नहीं तो पति, ईश्वर, गुरु, फलाना फलाना कहते रहते। अब ऐसे पतियों को जो ईश्वर गुरु बन करके बैठे हैं, उनको पत्नी शिक्षा कैसे दे सकती है? कोई पर तो नहीं है जो उड़ जावे। कोई तो फिर कमजोर पति भी होते हैं, तो उनको भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि बेचारा वो क्या करे। फिर बच्चों आदि को फिर कौन संभाले? और अगर कहीं पति बुढ़ा हो, बच्चे आदि हो, फिर उनको कौन संभाले? बुढ़ा होने पर शादी वादी तो कोई करेंगे नहीं। आजकल तो देखते हो, कोई 80 वर्ष वाला भी होगा तो भी शादी कर लेते हैं। नहीं तो ये भारत के कायदे बड़े हैं कि 60 वर्ष के बाद फिर वो वानप्रस्थ अवस्था धारण करें, अर्थात सत्संग में रहें। वानप्रस्थ अवस्था में बहुत करके सत्संगों में जाकर के रहते हैं। फिर गृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके वो चाबी अपने बच्चों को दे देते हैं, तो वो बच्चे उनकी संभाल करते रहते हैं। तो सपूत बच्चे होते हैं, वो माँ बाप के पीछे संभाल करते हैं, तो वो धन देते हैं, उनकी सेवा की, उनको जन्म दिया, तो फिर बच्चों के ऊपर फर्ज होता है ना। तो बच्चे फिर उन बाप को कहते हैं कि आप जाकर के अपना जीवन सफल करो, भले सत्संग में रहो। ये जो धन आपने हमको दिया है, हम उनसे आपकी संभाल करते रहेंगे। तो असल में तो कायदा भारत में यही है। और ये जो सपूत हैं वो ही कायदा निभाते हैं। आजकल तो बहुत ऐसे हो पड़े हैं। अभी तुम सब मेल और फीमेल बच्चे जानते हो, जैसे वो कांग्रेसी जानते थे, उनकी बुद्धि में वो फिरंगी दुश्मन थे। और तुम्हारी बुद्धि में ये माया दुश्मन है। फर्क नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे हुआ है कि उन्होंने उनसे लिबरेट किया है। वो भी ऐसे ही कहते हैं, गांधी ने आकर के, गांधी की मत से फिर कांग्रेस ने फिरंगियों से लिबरेट किया। माया महाबलवान है। वो तो 250 या 300 वर्ष राज्य किया होगा फिरंगियों ने, जानते हो ना। अभी तो तुम्हारे ऊपर से रावण ने 2500 वर्ष से राज्य किया हुआ है। को सहज होता है। गांधी और उनके फॉलोअर्स को, उन फिरंगियों को भगाना सहज हुआ, क्योंकि 250 वर्ष राज्य किया। और तुम्हारे ऊपर तो माया ने 2500 वर्ष राज्य किया है। 28:764 की वाणी का 6ठा पेज। तो देखो टाइम तो उनको भी उतना ही लगा, 40, 50 वर्ष, 60 वर्ष। कांग्रेस ने कितना बरस मदद की होगी? 40, 50 या 60। ये भी ऐसे ही है, 40-50 वर्ष हैं इस बात के, हैं माया से लिबरेट करने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। कब से कब तक है? 76 से लेकर 40 वर्ष जोड़ दिए तो कितना आता है? 2016-17 आता है। अगर 50 वर्ष जोड़ते हैं तो 2028 आया। तो वहां भी उनको 40-50 वर्ष लगे और तुमको भी माया से लिबरेट होने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। जो तुम बच्चे श्रीमत पर फिर इस माया रावण पर जीत पहन करके जो तुम्हारा पुराना दुश्मन है और भारत को फिर लिबरेट करते हो श्रीमत पर, वो था साकार बापू जी। और ये श्रीमत देते हैं कौन? निराकार बापू जी। तो वो साकार बापू जी, ये निराकार बापू जी, इनकी मत पर तुम बच्चे अपना राज स्थापन करते हो। अभी देखो उन्होंने कितनी कशमकश की, कितनी जेल खाई, कितनी गोलियां सही, और तुमको तो कोई गोली वोली मारने वाला नहीं है। ये माया तुमको गोली मारती है, और कौन सी गोली है? नहीं, देह अभिमान की पहले गोली मारती है, फिर देह अभिमान से 5 विकार पैदा होते रहते, तो फिर ठक से गोली आई काम विकार की। ये माया का बड़ा बम है, काम का बम। उन लड़ाइयों में वो बड़े बड़े तोप के गोले होते हैं ना, तो माया भी मशीन गन चलाती है। कम हमला नहीं करती है, उनके पास बड़े बड़े गोले हैं। किनके पास? माया रावण संप्रदाय वालों के पास। देखो एक ही गोले से अच्छे अच्छों को खड्डे में डाल देती है। तो तुम्हारा अभी ऐसे ही है, माया की गोली निकलती है जो तुमको लगती है। तो इस गोली से बहुत खबरदार रहना चाहिए। फिर इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे जितना तुम याद करेंगे इतना तुमको बहुत खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। क्या खुशी का पारा चढ़ेगा है? उन कांग्रेसियों को तो पारा चढ़ता था, हम बापू की औलाद हैं, और तुमको, अरे हम तो ईश्वर की औलाद हैं। उनकी श्रीमत पर हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। सो भी उनका राज्य तो एक जन्म भी नहीं चलता। इनका बापूजी ने जो राज्य दिया, स्वराज्य दिलाया, वो एक जन्म भी पूरा चलता है कि सब परतंत्र अनुभव कर रहे हैं और ही जास्ती दुखी हो गए। और तुम तो अपना स्वराज्य 21 जन्म के लिए स्थापन करते हो। ये क्या जन्म हुआ? कांग्रेस ने कितना स्वराज्य लिया, कितना लिया है? सन 47 से लेकर कब तक, जब तक जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जब तक गद्दी पर नहीं बैठे तब तक। परंतु उन कांग्रेसियों का ये कोई स्वराज्य थोड़े ही है। स्व माने अपना, आत्मा का राज्य। वास्तव में उनका ये राज्य तो और ही बहुत मुसीबत है। मनुष्य तो बेचारी नहीं जानते हैं ना, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। ये तो बरोबर गाया हुआ है कि ये रोने के पानी मिसल राज्य मिला हुआ है। ये क्या होता है हैं? गंगा के कछार में हिरण जब दौड़ता है चिलचिलाती धूप में, तो उसको कहा जाता है रुन्ने के पानी मिसल राज्य। उन्हें लगता है कि अब पानी मिला, अब पानी मिला, पानी मिलता नहीं। तो ये राज्य रुन्ने के पानी मिसल किनको मिला? उन कौरवों को मिला। उनमें ये साफ नहीं लिखा हुआ है ना कि कौरवों ने किससे ये राज्य लिया था। हैं? कौरवों ने किससे राज्य लिया था? फिरंगियों से लिया था ना। तो जानते हो ये कांग्रेस से कैसे बनी? वो कोई गीता भागवत में थोड़े ही लिखा हुआ है। ये तो अभी तुम बच्चे जानते हो। उस बापू का तो कुछ भी नहीं मिला। और ये बेहद का जो बापू है, ब्राह्मणों की दुनिया का बापू कौन? गांधी बापू कौन? इनसे तुमको क्या मिला? उनको जो मिला तो ये MLA MP मिल गए, अशोका होटल में खाने वाले मिल गए। ये तो सब हुआ, परंतु वो तो अल्पकाल का क्षण भंगुर दुखी ही दुख है। अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि हम तो अभी अपना स्वर्ग का स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। तो जैसे वो बापूजी की मत पर चले, फिर भी तो उन्होंने थोड़े समय के लिए विजय तो पाई ना। तो तुम बच्चों को भी तो विजय नुधी हुई है। बरोबर तुम राजयोग सीख रहे हो और जानते भी हो कि हम बरोबर सूर्यवंशी राज्य स्थापन कर रहे हैं। देखो बाबा पूछते हैं ना, एक रानी आई थी रात को, मिली थी, कहाँ गई वो रानी, कहाँ से आई थी बच्चे वाली, वो कहाँ है? किसी ने कहा रमेश रानी। कहाँ है? हाथ तो उठाओ। उनसे पूछा, बच्ची सूर्यवंश में जाने के लिए पुरुषार्थ करती हो या चंद्रवंश के लिए करती हो? तो बोलती है, बाबा ऐसे थोड़े ही है, हम जिसको मम्मा बाबा कहते हैं वो मम्मा बाबा तो सूर्यवंशी बनते हैं, तो मम्मा बाबा कहने वाला जरूर पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी बनेगा। ये सूर्यवंशी बनेंगे हम, बच्चों को तो यही पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसी को कहा जाता है फॉलो फादर एंड मदर। तो असल में कहते हैं फॉलो फादर, परंतु यहाँ तो मदर एंड फादर हैं, क्योंकि माता पिता तो है ना। तो जानते हो कि माता पिता सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं, बने नहीं है, ये तो निश्चय है ना सबको। 28/7/64 की वाणी का 7वां पेज। जिनको निश्चय नहीं है वो हाथ उठाओ। देखो 100% निश्चय है, जबकि माता पिता कहते हैं तो फिर बच्चों को भी ऐसे ही पुरुषार्थ करके माता पिता के तकसीन बनना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही ये देखो बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण। तुम भी मम्मा बाबा इनको कहते हो तो तुमको भी पुरुषार्थ करके इनको फॉलो करना चाहिए। इनको है इनको फॉलो करना चाहिए। अरे मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती को है, फिर किसकी तरफ इशारा किया? इनको लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया। इनको फॉलो करना तो अच्छा है ना। कोई शुभ बोलता है तो कहा जाता है तुम्हारे मुख में गुलाब, ऐसे ही कहते हैं ना। ये तो जरूर शुभ पुरुषार्थ है कि माता पिता जैसे पुरुषार्थ कर हम भी ऊंच पद पावे। ताऊसी तक कुछ कम थोड़ा ही होता है। क्या तुम समझते हो किस प्रकार का ये तख्त बना हुआ होगा? इतने हीरे जवाहरात होंगे, कितना ऊंचा पद है। अरे बच्चे रोमांच खड़े हो जाते हैं जब देखते हैं कि ओ बाप आकर के हमको ऐसा बनाता है, ऐसा है लक्ष्मी नारायण जैसा, वरना हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, भरतनाट्य पेनी। बाकी जो साहूकार होंगे उनका तो हृदय भी दीर्ण होता है इस बात में, श्रीमत पर चलने में हृदय भी दीर्ण होता है। सीमत पर चलने में बड़े डरते हैं, एकदम डर जाते हैं। और यहाँ तो है ही गरीब निवाज बाप। ऐसे ही तो कहा जाता है, ये तो तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले भी तुम ही थे और आगे बढ़ करके देखते रहेंगे कौन कौन आते रहते हैं बाप से अपना वर्षा लेने। परंतु तुम कोई को भी कहो, कोई भी ऑफिसर मिले, कुछ भी मिले, तुम बच्चों को कोई भी बड़ा आदमी मिले, बोलो हम तो भारत की सर्विस में हैं, हम जो भी कमाई करते हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बापू जी की राय से करते हैं। फिर पूछना चाहिए हम कौन से बापू जी की राय पर चलते हैं। मालूम है जो बापू जी की राय श्रीमद् भगवत गीता में गाई हुई है, क्या नाम है गीता का है? श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई श्रीमत है। इनमें तुमको कोई तकलीफ होगी नहीं, उनको बैठ करके समझाएंगे। तो अगर तुमको इनकम टैक्स भी देना होगा, तुमको ऑफिसर माफ कर देंगे, बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा जानते हैं, ये तो भारत की सेवा में तन मन धन खर्च करते हैं। अभी इनको टैक्स लगाएंगे तो उस गवर्नमेंट में चला जाएगा। हम गवर्नमेंट के पास तो बहुत ही ऐसा पैसा बर्बाद होता है, इनका पैसा तो सबको भारत को आबाद करता है, उनका खर्चा ये भारत को बर्बाद करता है और तुम्हारा खर्चा भारत को आबाद करता है। तो देखो उस गवर्नमेंट के खर्चे में और तुम्हारे खर्चे में कितना फर्क है। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। इसको भी तुम समझाओ तो वो तुम्हारे ऊपर आकर्षित हो जावे, ये तो बड़ी भारी सेवा करने वाले हैं। तो ऐसे मीठे मीठे बच्चे बनो, कोई को भी समझाओ तो मीठे बन करके समझाओ और फिर सच्चे साहब के साथ सच्चे बन करके रहो, पवित्रता में भी सच्चे रहो और सच्चे साहब को याद भी बच्चों को अच्छी तरह से करना है। अगर संचखंड में जाना है तो सच्चे बाप को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। ये निरंतर याद करने का गायन अभी का है, कब का है? न सतयुग का, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग, कब का? संगम युग का गायन है। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलह सिमटे सब तन के। ऐसा तो कोई भी मनुष्य नहीं होता है जिसके तन के कलह कलह सिमटे हों। कुछ न कुछ बीमारी जरूर होती रहेगी, पाई पैसे की भी होगी। अच्छा ये देखो खांसी हुई, ये भी तो बीमारी है ना। ये देखो वहां तो खांसी भी नहीं होगी, एकदम कभी कुछ भी नहीं होगा। अरे 21 जन्म की निरोगी काया मिलती है सिर्फ याद से। देखो कि कैसा अच्छी तरह से बाप आकर के नेचर की ओर बनाते, इस नेचर को एकदम क्योर कर देते। ये जो नेचर है यानी शरीर है, वो जब बीमार हो जाता है तो उसको भी क्योर कर देते हैं। तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। वो तो हैं पाई पैसे वाले नेचर की ओर, क्या क्या करते रहते हैं। 28-7-64 की वाणी का 8वां पद। सो तो जन्म जन्मांतर ये निकालते ही रहते हैं कि तो एक ही बार याद करने से तुम बिल्कुल निरोगी एकदम तंदुरुस्त बन जाते हो। अच्छा अभी टाइम तो हुआ, क्योंकि ये तो रतन है, कोई धारण भी कर सके, फिर बहुत पॉइंट्स देने से तो भूल जाते हैं, बुद्धि से तिरक जाता है। परंतु वो नशे में रहो, ये तो बरोबर फर्क है ना, तो उनको फर्क समझाओ कि कांग्रेस और पांडव ये कौरव क्या करते भाई, तुमने इन्हें उनसे छुड़ाया, हम फिर बाप की मदद से माया से छुड़ाते। ये बापू जी बेहद का है, सारी दुनिया का बापू जी है, वो तो सिर्फ भारत का बापू। तो ऐसे ये सब नॉलेज बुद्धि में रखो, तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, कमाल है तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ की। गॉड फादर बस जो फादर पढ़ाते भी हैं, उनको याद करने से तुम्हारा विकर्म सब भस्म होता जाता है। ऐसे कोई टीचर को याद करने से कोई किसका विकर्म थोड़े भी नाश होता है। ये तो टीचर है, गुरु भी है, बाबा भी है, इनको याद करने से तुम्हारे सब पाप का बोझा उतर सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। देखो अगर उपाय होता तो इतना हम योग में रहते रहते अभी कर्मातीत अवस्था ही नहीं आती है, कुछ न कुछ रोग निकल पड़ता है। तो ये रोग जन्म जन्मांतर के है ना, कटा तो कुछ भी नहीं। कितना गंगा में स्नान किया, ये किया, वो किया, बहुत बोझा रहता है, अभी भी बोझा है। अब योग से याद से कटेगा। योग अक्षर भी क्यों कहें, याद ही कहना चाहिए। ऐसे भी मत समझो कोई कि हमको निष्ठा में बैठना है। हाँ बैठना अच्छा है, क्योंकि सारे दिन में ये वाहियात माया के पिछाड़ी बातें ही करते रहते हैं। फिर आ करके अगर निष्ठा में बैठते हैं तो भले एक दो को कोई अच्छों का बल होगा तो बरोबर शांति में बैठ जाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं क्यों शांति में इकट्ठे भी बैठते हो, इकट्ठे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं। ये पढ़ाई है ना, ये तुम्हारा स्कूल है, तो स्कूल में तो पढ़ाई होती है। और कौन पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं, उनको तो जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि शिव बाबा ही टीचर है, तो उनको जरूर याद करना पड़े। वो टीचर हो गया, बाप भी हो गया, वो तो बच्चों को जरूर बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, इस बाबा को याद करते रहने से ही विकर्म विनाश होंगे। ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो टीचर को याद न करते हो, क्योंकि एजुकेशन की अवस्था है, तो उनको टीचर को जरूर याद करना पड़ता है। और यहाँ जबकि तुम पढ़ते भी हो, तुमको वापस जी जाना है, तुमको गुरु को भी याद करना पड़ता है। तो देखो ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और इनका कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। इनका इनका कह के किस तरफ इशारा किया है? इनका बाप टीचर गुरु नहीं है, ब्रह्मा का। ब्रह्मा का तो गुरु था जिसने साक्षात्कारों का अर्थ बताया, जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, टीचर बन करके बैठते थे, जिनका मम्मा बाबा के ऊपर भी बड़ा मर्तबा था। तो बोला अभी ऐसे बाप टीचर गुरु इनको याद करने से तुम कितनी याद में रहते होंगे। ये बहुत वंडरफुल बातें सुनानी है। हमारा बाबा वो बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सत्य बाबा है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है। सत्य किसे कहा जाता है और असत्य किसे कहा जाता है? गीता में तो बोल दिया, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का अभाव नहीं होता दुनिया में कभी भी, और असत्य के पांव नहीं होते हैं, असत्य के वो ठहर नहीं सकता। तो क्या सत्य है? कैसे सत्य बाबा है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है? किस रूप में है? ब्रह्मा के रूप में। वो तो ठहरने की बात नहीं। 18 जनवरी 69 को शरीर छूट गया तो ठहरा है? नहीं ठहरा। सत्य टीचर है, मना आज भी टीचर है, कल भी टीचर रहेगा, और पहले भी टीचर ही था। कौन? हमारा बाबा तो सतगुरु है। कैसे? क्या बोला? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक है, सत्य बाबा ही है। तो सत्य का संग बरोबर तारता है, यानी तार करके कहां ले जाते हैं? तारना माने पार ले जाना, तो कहां ले जाते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में ले जाते हैं। इस विषय सागर से और कहां जाएंगे? इस पुरानी दुनिया से सब कहाँ जावेंगे? सब वापस अपने घर जाएंगे, और फिर जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो आकर के राजी करेंगे। तो ये मम्मा भी पॉइंट सुनाती है, बाबा भी पॉइंट सुनाते हैं। कम थोड़े ही होता है, कितना एकदम इकट्ठे तुमको पढ़ाते हैं। 28/7/64 की वाणी का 9वां पेज देखो, तुमको ऊपर जाने के लिए कितनी इंजन मिली हुई है। ये माता पिता, बाप दादा, ये सभी ये गाड़ियों के इंजन सभी जाएंगे, बाबा तो पिछाड़ी में जाएगा ना। है कौन सा बाबा? है कौन सा बाबा पिछाड़ी में जाएगा? ब्रह्मा बाबा तो बीच में ही चले गए, तो कौन सा बाबा पिछाड़ी में जाएगा? कहेंगे शिव बिंदी बाबा। अब बिंदी को बाबा कहेंगे, हैं? बिंदु शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो बाबा है कि बाप है? वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा तो तब बनता है जब साकार शरीर में प्रवेश करे। तो उस बाबा के लिए बोला कि ये पिछाड़ी में जाएगा ना, तो क्या 18 जनवरी 69 को पिछाड़ी हो गई है? पिछाड़ी माने अंत, जिस अंत के लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो बोलो कितनी बड़ी लंबी ट्रेन बनेगी, ये रुद्रमाला बननी है ना, तो कितनी गाड़ी बननी चाहिए। इसलिए अब तैयार होना चाहिए और तुमको घोड़दौड़ की रेस भी साथ में मिलाते हैं। वो तो हद की घोड़दौड़ होती है, वो जानवरों की घोड़दौड़ है, और तुम्हारी तुम्हारी मनरूपी घोड़ों की दौड़ है। इसमें तो बेहद की घोड़दौड़ की बात है। हर एक का बुद्धि योग जाता है बाबा के पास, हम बाबा के पास पहले पहुंचे। अरे पहले पहुंचेंगे, हाँ याद करो तो पहले पहुंचेंगे। देखो ये स्टूडेंट्स को ये भी तो डराया जाता है ना कि बरोबर दौड़ी तुम्हारी बुद्धि योग की है, जितना जो कोशिश करेगा वो पहले पहुंचेगा। पहले रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे, फिर पहले विजयमाला में जाएंगे। अच्छा बच्ची टोली ले आओ, ये किसने बोला? एक दिन हम अपने हमजिन्स को, एक आध दिन आपके हमजिन्स को देंगे, जवानों को। बुड्ढे जो होते हैं ना वो समझते हैं कि हमारा पैर इस तरफ में है, मत्था उस तरफ में है। बुड्ढों को ये ख्याल रहता है कि अभी स्वर्ग आश्रम जल्दी जाएंगे, परंतु जवान लोगों को इतना थोड़ा ही रहता है। क्या क्या हम स्वर्गवासी बनेंगे? जल्दी जाएंगे? अच्छा बताओ फौरन कौन मरेंगे, बुड्ढे मरेंगे या जवान मरेंगे? है फौरन कौन मरने वाले हैं? बुड्ढे। तो ये बात किसके ऊपर लागू हुई पहले? है पहले तो ये बात ब्रह्मा बाबा के ऊपर ही लागू हो गई। और उस समय रामबली आत्मा नौजवान थी या बुड्ढी थी? है? तो देखो हम बुड्ढे पहले मरेंगे बोल दिया। बुड्ढों को तो और सहज है कि अभी हमें जाना है। कहाँ जाना है? स्वर्ग आश्रम। ये आपस में क्या लगते हैं? देखो गांधी को भी जो मदद करते थे वो उनको प्यारे लगते थे, हैं? इसकी तरफ अभी इशारा दिया। गांधी को ज्यादा मदद किसने की, नौजवानों ने या बुड्ढों ने? है? अरे नौजवानों ने मदद की ना, तो जो मदद करते थे उनको वो प्यारे लगते थे। अब ये भी बापू जी है जो मदद करते हैं पति दुनिया को पावन बनाने के लिए तन मन धन से। तुम कभी भी गवर्नमेंट को कहेंगे, गवर्नमेंट को अच्छी तरह से समझाने से तुमको आफरीन मिलेगी। खुश हैं ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अरे बच्ची तुम क्या समझती हो, बच्चे तो पढ़ते ही रहते हैं। जन्मा जवान भी पढ़ते थे, जबकि कोई बुढ़ियाओं को पढ़ावे और बुढ़िया इतनी पढ़ सके, पढ़ करके और साहब से तीखी जाए। तो किसी ने कहा बाबा यहाँ बुढ़ा पढ़ने वाला नहीं होता है। अरे ये तो कमाल है, खुश होते हैं कि देखो मम्माएं हमको टोली खिलाती हैं सीमत पर, तो खुशी होती है उनको। पहले शिथिल बच्चे के हैं या पहले माता पिता के हैं? किसको पहले कहें? माता पिता है तो शिथिल बच्चे बने, पहले तो शिथिल बच्चे नहीं कहना चाहिए ना। इसलिए पहले माता पिता, बाप दादा का मीठे मीठे शिथिल दो बच्चों प्रति दिल व जान से प्रेम से याद प्यार, ये बात याद दिलाना है और प्यारा बनना है। तुम बहुत प्यारे बनते हो, देखो प्यारे बने हो ना, और तुम्हारी पूजा होती है, परंतु तुम ही पूजित हो, तुम ही पुजारी बन जाते हो। ये भी तुम बच्चों को बुद्धि में आता है कि बरोबर हम पूज्य सो देवी देवता थे, फिर हम पूज्य दो कला कम हुए क्षत्रिय चंद्रवंशी, फिर हम सो पुजारी वैश्यवंशी, हम सो पुजारी फिर चंद्र शूद्रवंशी थे, अभी हम सो ब्राह्मण फिर पुजारी से पूज्य बन रहे, और किसकी मत से? श्री मत से। अब ये चक्र, और तो कुछ नहीं करना है ना। तो ऐसे शिकिल्दे बच्चों को याद प्यार हो। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। हाँ है? बिना विवेक का विराग न होवे। हाँ हाँ, उल्टा बोल दिया, बिन विराग विवेक न होवे, वो उल्टा बोलता है। बिन वैराग विवेक न हुई। जब अंदर से सच्चा सच्चा इस दुनिया से वैराग आता है, तब सच्चा सच्चा ज्ञान पैदा होता है। जब तक इस दुनिया से, दुनिया के संबंधों से, दुनिया के पदार्थों से सच्चा सच्चा लगाव पैदा है, तब तक ज्ञान नहीं आ सकता। माना अभी हम अपन को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन क्या आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान पैदा हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब सच्चा सच्चा अभी वैरागी नहीं बने। इसलिए रामायण में कहा है, बिनु वैराग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम उन्होंने देहधारी को समझ लिया। वास्तव में कौन सा राम? जो निराकार राम शिव बाबा है, उसके प्रति जब तक प्यार पैदा नहीं हुआ है 100%, उस एक के प्रति 100% प्यार पैदा होगा तो सबके प्रति वैराग आ जाएगा, और सबके प्रति वैराग आ जाएगा तभी अपनी आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान होगा। एक साथ तो नहीं होगा, होगा तो धीरे धीरे, परंतु जितना जितना वैराग आता जाएगा उतना उतना ज्ञान भी पैदा होता जाएगा, उतना उतना अपने जन्मों का खुलासा भी होता जाएगा। बाबा, जैसे बच्चों का बाप से मिलने, बिछड़े हुए बच्चों का बाप से मिलने के लिए बेहद खुशी होता है। सो सन 76 से लेकर के आज तक रामबली आत्मा के जीवन का कौन सा सबसे सुनहरा पल है? रामबली आत्मा का फ्रॉम सन 76 से ऑनवर्ड्स आज के दिन तक सबसे सुनहरा पल कौन सा है? सबसे 76 से लेके आज तक रामबली आत्मा का सुनहरी पल कौन सा हुआ? रामबली आत्मा का तो रोज ही सुनहरीपन है, क्योंकि रोज ही आत्मा के बारे में नया नया खुलासा मिलता जाता है। तो खुशी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और बाबा, बुद्धि को जैसे मनसा सेवा, बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा सबसे जाती पावरफुल होती है, तो हमें मनसा सेवा तो एक तो योग और आत्मा को बुद्धि को व्यस्त रखना है, तो और कोई तरीका है जो मनसा सेवा और अच्छा हो? मंथन तभी ही चलेगा जब आप सेवा में लगे रहेंगे। ईश्वरीय सेवा में जितना अपने को व्यस्त रखेंगे, इस देह की सेवा में व्यस्त रहने से जितना ही परे होते जाएंगे। ईश्वर ऐसे सेवाधारियों को खुद याद करता है। जिनको भगवान खुद याद करता है, उनकी याद तीखी होगी या धीमी होगी? तीखी हो जाती है। और जब याद तीखी हो जाती है तो आत्मिक स्थिति भी तीखी हो जाती है। आत्मिक स्थिति तीखी होने से अवस्था, स्टेज सूक्ष्म बनेगी या मोटी बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनती है। और सूक्ष्म बुद्धि में मनन, चिंतन, मंथन जास्ती चलता है। जितना जास्ती आत्मा के बारे में, अपनी आत्मा का स्वचिंतन जितना जास्ती चलेगा, उतना ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे? ऊपर उठना माना है अनेक जन्मों का खुलासा करना। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी और परचिंतन पतन की जड़। और बाबा, आज की दुनिया में बाप बनने पर मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह परंपरा यहाँ संगम से ही चलती होगी, तो कैसे? अरे तुम सेवा करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। अरे सेवा करेंगे तो बच्चों की पैदाइश होगी या नहीं होगी? बेहद की सेवा है या स्वार्थ की सेवा है? वो बाप होते हैं, वो तो अपने रथ को सेवा देते हैं, अपने रथ की मजादारी के लिए काम करते हैं कर्मेंद्रियों से, और कहते हैं हमने सेवा की, बच्चे पैदा किए, हमने पैदा किए। अरे तुमने क्या बड़ा काम किया? ये स्वार्थ का काम किया? रथ के लिए तुमने किया या परमार्थ के लिए किया? रथ के लिए। क्या रथ के सुख प्राप्त करने के लिए किया? तुमने कुछ नहीं किया। असली काम तो शिव बाबा सिखाते हैं। क्या? स्वार्थ नहीं। क्या करो? परमार्थ करो। है ईश्वरीय ज्ञान दूसरी आत्माओं को देंगे तो कैसे बच्चे पैदा होंगे? हद के या बेहद के? जो बेहद के बच्चे पैदा होंगे तो बेहद की खुशी आएगी या हद की खुशी आएगी? है बेहद की खुशी आएगी। तो शूटिंग नहीं हो रही है, हो रही है। हाँ, में बोले कि अभी तुमको डायरेक्ट ईश्वर की मत मिलती है और फिर उसके बाद तुमको मिलेगी देवी की मत, तो उस समय ईश्वर कहाँ होंगे? गुप्त होंगे। उनका स्वभाव ही गुप्त रहने का है। 5000 साल गुप्त रहते हैं और संगम युग में नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं। शिव का जो प्राकृतिक स्वभाव है वो है गुप्त रहना, और आत्माओं का स्वभाव क्या है? अपने को प्रत्यक्ष करना। जितना जितना स्वधर्मी होगा, स्वधर्मी होगा, उतना उतना गुप्त रहने का कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा। और जितना जितना विधर्मी होगा, विदेशी होगा, उतना उतना अपने को प्रत्यक्ष करेगा। बाबा ने क्या मुरली में आया कि अंत में बच्चे 510 भी आपकी परीक्षा लेने के लिए आएंगे। वो बेहद में कौन से हैं जो अरे परीक्षा लेने के लिए निमित्त? ये शरीर में पृथ्वी तत्व नहीं है, बीमारियां नहीं आएंगी। है अरबों की तादाद में मनुष्य मरेंगे, एटम बम फटेंगे, इकट्ठी मौत आ जाएगी तो सड़ांध नहीं फैलेगी। है तो ये पृथ्वी तत्व बीमारियों के द्वारा परीक्षा नहीं लेगा, लेगा। ऐसे ही और तत्वों का हिसाब किताब है। अरे पृथ्वी कौन है? पृथ्वी का पार्ट किसका है? पृथिव्याति। पृथ्वी, पृथिव्याति माने विस्तार को पाती जाती है। कब से है? कब से विस्तार को पाती है? द्वापर युग से। द्वापर युग से पृथ्वी विस्तार को पाती है कि नहीं, इसलिए इसका नाम पृथ्वी है। तो किसका पार्ट है? ये जगदम्बा है। ये पृथ्वी मुख्य तत्व है। जब भूकंप आएंगे तो दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी जो बहुमंजिला इमारतों में रही पड़ी है, वो सब अचानक मौत में मरेंगे। तो बीमारियां बढ़ेंगी कि घटेंगी? बढ़ेंगी। ये संगठन सारे टूट जाएंगे। क्या? एक संगठन के ऊपर दूसरा संगठन, दूसरे संगठन के ऊपर तीसरा संगठन, उसके ऊपर दूसरा संगठन। क्या? एक पारिवारिक संगठन, पारिवारिक संगठन के ऊपर गांव का ग्रामीण संगठन पंचायत, पंचायत के ऊपर तहसीलदार बैठा हुआ है, उसके ऊपर जिलाधीश बैठा हुआ है। जिलाधीश का संगठन है ना। जिलाधीश के ऊपर जो एरिया होता है जोन, वो बैठा, जोनल इंचार्ज बैठा हुआ है। उसके ऊपर स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट, वो बैठी हुई है। और सबके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो एक से एक बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं अभी। फिर क्या होगा? ये सारी संगठन रूपी इमारतें तहस नहस हो जाएंगी, सब टूट फूट जाएंगे। तो लोग निश्चय बुद्धि जिंदगी जिएंगे कि अनिश्चय बुद्धि की मौत मरेंगे? सब अनिश्चय बुद्धि होते जाएंगे, हार्ट फेल होते जाएंगे। और हाँ, एक मुल्ले बाबा ने कहा है कि बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। अंदर का प्यार मतलब क्या है और बाहर का प्यार क्या है? अंदर का प्यार दिखाने का होता है, हैं? अंदर का प्यार तो तब प्रत्यक्ष होगा जब माला के मणकों का नंबर प्रत्यक्ष होगा। तब ही पता चलेगा कि शिव बाबा किसको कितना प्यार करता है। बाबा हाँ, हनुमान को संकट मोचन भी कहते हैं। हाँ, हनुमान का पाठ ब्रह्मा का है। हाँ, संकट मोचन। जो संकट आता है उस संकट को दूर करने का पाठ किसका है? ब्रह्मा का है, हनुमान का है। हाँ बाबा, सेवा करने के लिए तो बिक्के भाई बहन भगा देते हैं। सेवा करने के लिए भगा देते हैं। कौन भगा देते हैं? बिक्के भाई बहन। बिक्के भाई बहन जो भगाए देते हैं, उनके घर क्यों जाते हो? नहीं, उनके पास में अभी एक युक्ति है। उनको संदेश दे दिया एक बार, बात खत्म हो गई। अब उनके पास जाओ जिनको संदेश नहीं दिया है। अभी जैसे हम बिक्के भाई बहन की बाबा ने बता दिया ना, जो तुम्हारे कुल का होगा उसको 2 शब्द ज्ञान के सुनाएंगे तो एकदम आपकी बातें सुनने के लिए चहक जाएगा, चिपट जाएगा। तो ये पता लग गया तो बार बार ऐसी आत्माओं के पास जाने की क्या जरूरत है जो हमारी बातों को ठुकराती रहती है। इसी बात नहीं है। हाँ, सो हमने एक तरीका निकाले कि ऐसे जिस्मानी और रूहानी सेवा दोनों तरीके से हो जाए। सो इसके लिए आपके भाई बहन जो सर्कल में इंटरनेट पे रहते हैं तो उनकी तक पहुंचने के लिए एक हमने कंपनी फॉरएवर करके है, तो उसमें उनको जॉब दिलाने का ऐसा बताते हैं, तो ताकि वो पास में जैसे नजदीक आएंगे, फिर उनको ज्ञान में ज्ञानी तो बात बता के फिर उनको ज्ञान में लाने की तरीकाएं बना रहे हैं। सो ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दो नाव में पैर रखने वाले उनका हाल क्या होगा? आपका फाउंडेशन ही क्या है? लौकिक प्राप्ति कराना। आज से ही उनकी बुद्धि में बैठ गया हमें जॉब मिलने वाला है, जॉब मिलेगा, हमको पैसे मिलेंगे, फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और तुम उल्टा उनको ज्ञान सुनाओगे। ये सब भस्म होने वाला है। बेकार हो जाएगा। ओम शांति। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बोला कि जो कर्मा के साथ था जब बनती है तो ढाई की चलते हैं, जो कर्मा की अवस्था है हाँ एक बार बन जाते हैं तो ढाई की चलती रहती है। मतलब जो कर्मातीत अवस्था इस समय बन जाती है लास्ट में, संगम के लास्ट में, वो 2500 साल काम करती है। जिस समय कर्मातीत, जो कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएगा वो चाहे अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, चाहे पाप कर्म करे कर्मेंद्रियों से दुनिया के नजरों में, और चाहे पुण्य का कर्म करे, उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगेगा, उसकी अवस्था खराब नहीं होगी, वो सदैव खुशी में हर्षित रहेगा। जैसे बोला है जो आत्मनिष्ठ हो जाता है वो सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। ये खुशी इस बात का प्रमाण है, तौल है कर्मातीत अवस्था होने की। ओम शांति।